में लोकसभा चुनाव के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसे देखते हुए तमाम सियासी दलों में उठापटक का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल हैं, जिनके कई बड़े नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी टिकटों को लेकर महामंथन के बीच वाद विवाद का दौर चल रहा है। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी पूरी तरह बदल गई है, जिसका नेतृत्व भी पूरी तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में है। इस लिहाज से संगठन और सरकार में इन्हीं दोनों का दबदबा माना जा रहा है। तो वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अटल और अडवाणी की टोली से आते हैं, मोदी सरकार के दोनों कार्यकालों में अहम पदों पर भी रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में उनके सियासी भविष्य का फैसला मोदी के हाथ में था। वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं, पार्टी ने टिकट न दिया तो, इस तरह के सैकड़ों सवाल पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के तीन दिग्गज वरिष्ठ नेताओं की, जिनमें सबसे पहला नाम आता है राजनाथ सिंह का, दूसरा नाम नितिन गडकरी का और तीसरा नाम शिवराज सिंह चौहान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में जब राजनाथ सिंह को गृह मंत्री के बदले रक्षा मंत्री बनाया गया था, तो उनके सियासी भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। इसी तरह बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी को भी जब पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर किया, तो उनकी सियासत अंधकार में जाती दिखी। और शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या हुआ, ये तो सब जानते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे शिवराज को चुनाव जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। जाहिर सी बात है, इस पर भी सवाल तो उठेंगे ही। इन तीनों ही बड़े नेताओं को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब शायद इन्हें पार्टी में कोई खास तरजीह नहीं दी जा रही, लेकिन बीजेपी ने फिर सबको झटका दिया और पार्टी ने तीनों दिग्गजों को 2024 का टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। अब जब तीनों को लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो अब पार्टी में इनका क्या कद रहेगा, ये बड़ा सवाल बन गया है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान अटल आडवाणी के नेतृत्व वाली बीजेपी से हैं। राजनाथ और गडकरी खुद भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन मौजूदा दौर में अटल आडवाणी की टोली वाले बड़े नेता या तो रिटायर हो चुके हैं या किसी खास बड़े पद पर नहीं है। फिर भी बीजेपी ने इन पुराने चेहरों पर बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने शिवराज सिंह को एमपी के विदिशा से, गडकरी को नागपुर और राजनाथ सिंह को लखनऊ से टिकट दिया है। दरअसल बीजेपी की पहली लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम नहीं आने के बाद ये कहा जा रहा था कि उनका टिकट कट सकता है। इसी तरह शिवराज को सीएम नहीं बनाने के बाद से ही उनकी सियासत खत्म होने की बातें होने लगी थी। 2019 में सरकार के बनने के तुरंत बाद राजनाथ सिंह को कई कमेटी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही ये फैसला बदल दिया गया। शाह और मोदी वाली नई बीजेपी कब क्या खेल कर दे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। पार्टी खुद को जमीन से जुड़ी होने का दावा तो करती है, लेकिन पुराने सभी नेताओं को साइडलाइन भी लगातार कर रही है। 2019 के चुनाव में पार्टी ने बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा रहे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का टिकट काट दिया था। 2014 में मोदी ने जोशी की सीट वाराणसी से चुनाव लड़ा था। जोशी को कानपुर की सीट दी गई, लेकिन बाद में वो भी छीन ली। इसी तरह 2019 में आडवाणी की जगह गांधीनगर से अमित शाह को टिकट दिया गया और आडवाणी जी को आराम दिया गया। अब 2024 के चुनाव में जब बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, तो उसमें गडकरी और राजनाथ का नाम ना होने के बाद उनका टिकट कटने की बातें होने लगी थी, लेकिन बीजेपी ने दूसरी लिस्ट के जरिए ये बताया कि वो अब भी अपने पुराने नेताओं पर भरोसा करती है और इन पर दांव खेल सकती है। बीजेपी की इन सियासी चालों को लेकर राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि पार्टी फिलहाल किसी तरह की उथल पुथल या बगावत देखने के मूड में नहीं है। बीजेपी का फोकस इस वक्त सिर्फ 400 सीटें जीतने का है। 2024 के चुनाव में बीजेपी किसी भी सीट पर कोई चांस नहीं लेना चाहती। बात करें अगर पिछले साल हुए एमपी चुनाव की, तो शिवराज सिंह चौहान को सीएम न बनाने को लेकर वहां की महिलाएं काफी नाराज हुई थी। उनका कहना था कि उन्होंने वोट तो शिवराज सिंह के नाम पर ही दिया था। उस नाराजगी को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें दिल्ली लाने का इशारा दिया, क्योंकि नेतृत्व उन्हें एकदम नाराज नहीं करना चाहता था, इसका बड़ा असर भी हो सकता था। उसी तरह गडकरी और राजनाथ सिंह को भी एडजस्ट किया।
अब जानकारों की माने तो इन दिग्गजों को टिकट मिलना इस बात का संकेत हो सकता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। तो वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि बीजेपी के लिए ये वक्त आपसी मनमुटाव का नहीं बल्कि 400 पार का लक्ष्य हासिल करना है। पार्टी के कई नेता साल भर से चिल्ला चिल्ला कर अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। इसी साल फरवरी में पीएम ने मध्य प्रदेश के एक कार्यक्रम में कहा था कि अब की बार 400 पार का नारा हमने नहीं बल्कि जनता ने दिया है। लिहाजा बीजेपी का पूरा फोकस अभी इसी आंकड़े पर है। बीजेपी अभी सेफ प्ले करना चाहती है ताकि वोट प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। देश के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि राजनीति के बारे में लोग ये धारणा बनाकर चलते हैं कि मजबूत नेता साथ नहीं चल सकते हैं, जबकि अटल आडवाणी की जोड़ी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि वो दशकों तक साथ चले। एक पुराना किस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि 2013 में जब राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने ही पीएम उम्मीदवार के रूप में मोदी के नाम की घोषणा की थी। राजनाथ ने तब एक इंटरव्यू में कहा था, ये जरूरी नहीं है कि पार्टी अध्यक्ष लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला हो और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी हो। मुझे पार्टी ने एक काम दिया है जो मुझे पूरा करना है और वो काम है 2014 के चुनाव में जीत दिलाना। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मोदी के राजनाथ से अच्छे संबंध रहे हैं। ये बात सही है कि अटल आडवाणी वाली पीढ़ी अब खत्म हो गई है, राजनाथ सिंह ही एकमात्र बचे हैं, लेकिन मोदी कैंप से इन्हें बाहर माना जाता है, ये बात बार बार खारिज होती रही है। इस बार भी चुनाव जीतने पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मोदी और राजनाथ के बीच मनमुटाव पर वो कहते हैं कि पहले अटल आडवाणी की जोड़ी के बारे में भी कयास लगता था कि इनके बीच मनमुटाव है और ये जोड़ी नहीं चलेगी, लेकिन वो जोड़ी खूब चली। लोग राजनीति में ये समझते हैं कि बराबर की ताकत वाले लोग साथ साथ नहीं रहते हैं, लेकिन बीजेपी उसे हमेशा गलत साबित करती आई है। इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस बात से समझिए कि पार्टी के चार अध्यक्ष नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा, इन सबके तालमेल पीएम के साथ अच्छे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। हालांकि सबसे ताकतवर नेता की बात करें तो इस वक्त बीजेपी में पीएम मोदी सबसे ताकतवर नेता है, क्योंकि वो अब एक चलता फिरता ब्रांड बन चुके हैं। देश ही नहीं दुनिया में उनकी फैन फॉलोइंग की कोई गिनती नहीं है। देश की जनता भी उनके नाम पर ही वोट देती है, ये हम पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं। अब बात नितिन गडकरी की करें तो हमने देखा है कई बार विपक्ष उन्हें बीजेपी के एक ऐसे नेता के रूप में पेश करता रहा है जिनकी मोदी और शाह से नहीं बनती। कांग्रेसी नेताओं के मुताबिक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नितिन गडकरी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसियों का ये भ्रम फिर टूट गया जब बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की और उसमें नागपुर से गडकरी को टिकट दिया। टिकट मिलने के बाद नितिन गडकरी ने एक्स पर मोदी और जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया। दरअसल ऐसा माना जाता है कि गडकरी और पीएम मोदी के संबंध शुरू से ही थोड़े असहज रहे हैं। इसके पीछे की कई वजह है, जैसे एक वक्त पर गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन पूर्ति घोटाले में गडकरी का नाम आने लगा तो राजनाथ सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। एक तरह से गडकरी के अस्त तो होने के साथ पीएम मोदी का उदय हुआ माना जाता है, और इसी वजह से गडकरी को मोदी कैंप का नेता नहीं माना जाता। मोदी के पहले कार्यकाल में बहुत सारे सीनियर लोगों को जगह दी गई थी, उनमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, उमा भारती जैसे लोग शामिल थे। दूसरे टर्म में सिर्फ राजनाथ और गडकरी को रखा गया और पुरानी पीढ़ी के लोग आउट होते गए। जानकारों की माने तो जिस तरह पीएम मोदी ने अपनी साफ छवि बनाई है उसी तरह गडकरी ने भी कोशिशें की है। आज गडकरी की छवि कम वक्त में बड़े प्रोजेक्ट पूरा करने वाला और प्रभावी नेता की मानी जाती है, तो इस तरह की छवि वाले नेता का टिकट अगर काटा जाता तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और वैसे भी इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति सबसे पेचीदा दौर से गुजर रही है, जहां 2 शिवसेना है तो 2 NCP है, बाकी कांग्रेस के साथ कुछ छोटी मोटी पार्टियां भी हैं। ऐसे में बीजेपी कोई चांस नहीं ले सकती, इसलिए पार्टी ने यहाँ की सीटों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया है। वाकई बीजेपी ने गणित तो बहुत बढ़िया बिठाया है, क्योंकि ये तीनों दिग्गज अपने अपने सूबे में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, जिन्हें हिला पाने का मादा किसी पार्टी किसी नेता में नहीं। इस खबर के बारे में आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।